हेलो गाइस, तो कैसे यार आप सब लोग। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप लोग पबजी में कैसे अपना लेवल अप फास्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं अभी बात कर रहा हूँ लेवल अप के बारे में, मैं रैंक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइस, पबजी में लेवल अप करना इतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं जितना आप सोच रहे हैं। आप लोग इजीली लेवल 50 तक पहुँच सकते हैं। तो गाइस, अभी मेरी बात करूँ तो मेरा लेवल है 44, और मैंने गाइस मैं बताऊँ तो सच बताऊँ तो मैंने बहुत ही कम पबजी खेली है। लाइक मैं दिन में एक बार या फिर कई बार तो एक बार भी नहीं ओपन करता था, और बहुत ही कम टाइम में मैंने इतना लेवल कर लिया। तो मतलब बहुत ही कम टाइम में आप लोग अपना लेवल कैसे अप कर सकते हो। तो गाइस, अभी मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो आपको थोड़ा बहुत फोकस करना पड़ेगा। ये कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है मतलब पबजी में लेवल अप करना। तो गाइस, अभी हम बात करते हैं पबजी के बारे में। तो पबजी में यहाँ पे हमारे पास दो मोड आते हैं, एक तो क्लासिक मोड होता है, एक तो आर्केड मोड होता है। अब क्लासिक मोड में आप लोग FPP या फिर TPP दो मोड खेल सकते हैं, एंड यहाँ पे जो आर्केड मोड होता है उसमें आप लोग स्नाइपर मोड, शॉटगन, मतलब वो कौन सा क्विक मैच रन खेल सकते हैं, या फिर आप लोग मिनी जोन, और अभी नया है वो वॉर जोन। तो गाइस, इन चारों में से आप लोग कोई भी मोड खेल सकते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि कौन सा मोड सबसे ज़्यादा अच्छा है अपना लेवल अप करने के लिए, तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ क्विक मैच के बारे में। अब मान लीजिए क्विक मैच 8 मिनट लेती है हमारी मैच ख़त्म होने में, उसके सामने जो हमारी वॉर जोन है वो 15 मिनट लेती है मैच ख़त्म होने में। और अभी नॉर्मल मैच की बात करें, जो नॉर्मल हम लोग क्लासिक में खेलते हैं, वो मिनिममली 30 मिनट से आसपास लेती है, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो गाइस, आप लोग अभी सोच ही सकते हैं कि 8 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट, उसमें कितना फ़र्क पड़ता है। और आपको पता ही है हम लोग सारे क्लासिक मैच जीतते नहीं है, कई बार क्या होता है हार जाते हैं। मतलब हमारी जो आधे घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा जो हम लोग टाइम यूज़ करते हैं, उतने में उतने ज़्यादा XP नहीं मिल पाते। तो गाइस, आपको करना क्या है, आप लोग हो सके उतनी ज़्यादा क्विक मैच खेलो। अब क्विक मैच में क्या है, चलो मान लीजिए कि 8 मिनट की एक मैच है, तो हम लोग जितने टाइम में एक क्लासिक मैच ख़त्म करें उतने टाइम में हम लोग क्विक मैच 4 खेल सकते हैं। अब 4 मैच खेलेंगे तो मे बी चांसेस ज़्यादा है कि हम लोग विन हो सके एंड हम लोग अच्छे रैंक पे आ सके। तो गाइस, क्विक मैच में जितने भी हम लोग अच्छे से किल करेंगे या फिर सर्वाइव करेंगे, जितना भी रहेंगे, उतने ज़्यादा हमें XP मिलेंगे, एंड इसकी वजह से आपका जो लेवल है वो जल्दी अप होगा। अब अगर आपको क्विक मैच में सर्वाइव करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक अपनी जो स्किल्स है थोड़ी बहुत बढ़ानी पड़ेगी। एंड अगर आप चाहते कि आप अपनी जो स्किल्स है कैसे बढ़ाए, आप लोग प्रो प्लेयर कैसे बने नूब से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी नूब से प्रो कैसे हो सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं मेरी बात करूँ तो मैं इतना ज़्यादा प्रो बंदा नहीं हूँ, बट मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ, उतना ख़राब भी नहीं हूँ गाइस, ठीक ठाक खेल लेता हूँ। तो जो मैं अपनी तरफ से हो सके उतनी मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग को पबजी की और वीडियोस चाहिए तो मुझे बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, आपको क्या रैंक अप कैसे फास्ट करें उसका वीडियो चाहिए, या फिर ऐसे ही प्रो टिप चाहिए कि हम लोग कैसे ज़्यादा पीपल किल करें, या फिर कैसे हम लोग मीरा रेड डॉट से या फिर कोई भी स्कोप से सबको इजीली मार सके। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि कैसे लेवल अप करें। तो आप लोग हो सके उतनी ज़्यादा क्विक मैच खेले, उसकी वजह से आपका लेवल अप होगा। एंड अगर आपको रैंक इंक्रीज करना है तो उसके लिए तो आपको सिर्फ क्लासिक मोड खेलना पड़ेगा, वो मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। So guys, thank you so much for watching my video and stay tuned for more videos. I can't regret leaving you alone.